कहती है, अगर किसी को दुख पहुंचने से बचा सको तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं भी बार बार कह रही हूँ, मत जाइए आप पूरी दीदी के साथ। वो भी सात समुंदर पार। और जाना ही है तो मुझे भी ले चलिए आप अपने साथ। नहीं बोंदता, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। तो मैं भी नहीं दूंगी आपके ऊनी कपड़े। फिर कैसे जाएंगे आप? कहा ना नहीं, मैं लंदन सिर्फ सौदामिनी के साथ जाऊंगा। मैं तो बेकार ही चिंता कर रहा था। यहां तो साफ दिख रहा है अनिरुद्ध का झुकाव सौदामिनी की तरफ। माफ करना बोंदता, जोर से बात की तुम्हारे साथ, पर बाबा को शक ना हो इसीलिए ये करना जरूरी था। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है मुझ पर तो मैं नहीं रोकूंगी आपको, और ना ही लेकर जाना मुझे विदेश। सारे लोग हैं, काका ससुर जी हैं, बट्टुक है, सोमनाथ दादा है, भारी बाबू हैं और कोयली दीदी भी हैं। विदेश तो बहुत दूर होगा ना तुलसीपुर से। अगर मैं किसी परेशानी में हुई और आपसे कुछ पूछना हो मुझे तो क्या करूंगी मैं? मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा बोंदता। एक बार गुनहगार बन चुका हूं तुम्हारा, पर मेरा वादा है तुमसे, ना मेरी वजह से ना किसी और की वजह से तुम्हें किसी भी कारण से कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। बस थोड़ी देर और साथ दे दो मेरा। छोटी हो ना तुम, इसीलिए बता नहीं सकता क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। पर जानती हो क्या, तुम्हारे बिरिस्ता बाबू को पूरा भरोसा है तुम पर, तुम्हारी हर बात पे यकीन करते हैं। वो जानते हैं वो कि तुम सच बोल रही हो। ये हमारा मालिक जी। वाह मालिक वाह, उधर आपके बेटे बहू का विवाह टूट गया है और आप यहाँ मूर्ति बनकर बैठे रहेंगे। कितना प्यार करते हैं बहुरानी जी को, ये किसी से छुपा है क्या? उठिए बड़े मालिक, आपको हर हाल में उठना पड़ेगा। क्षमा कीजिए मालिक, हम पहली बार आपसे कह रहे हैं, आपसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं। याद रखिए बड़े मालिक, अगर बरिस्टर बाबू हमारी बोंदता बहुरानी छोड़कर शैतान सौदामिनी के साथ लंदन चले गए तो हम भी उसी दिन इस घर को छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे यहाँ पे, नहीं रहेंगे यहाँ पे बड़े मालिक। उठिए ना बड़े मालिक, उठिए ना बड़े मालिक, उठिए ना बड़े मालिक। काका ससुर जी, कमरों में, मंदिर में और रसोई में सब जगह दिए जला दिए मैंने, आपके कमरे में भी लगा दूं?
जगमगा उठेगा आपका कमरा। फिर आप खुद कहेंगे, बहू अलग लग रही है ना दिवाली। ए लड़की, आप मुझे बहू भी बुला सकते हैं। मेरी माँ कहती है। तुम्हारी माँ क्या कहती है क्या नहीं कहती है मुझे सबसे कुछ नहीं जानना है। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें कि आज जब गांव वाले दिवाली की भेंट लेने नीचे आएंगे तो वहां दा के साथ खड़ी मत हो जाना। आज भी गांव वाले भूले नहीं है झूठ और धोखा जो तुमने उनके साथ किया था। अरे चोरनी है आपकी बहू, चोरनी, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाइयों, अनिरुद्ध। मिनी, मिनी, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो सहारे के लिए इस डंडे की जरूरत पड़नी चाहिए क्या तुम्हें? बहुत सुंदर लग रही हो तुम, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए तुम्हें। इश। आओ मिनी। इस जगह को मैंने ठीक वैसे ही सजाया है जैसे तुम्हें पसंद है मिनी। काश मैं ये नजारा अपनी आंखों से देख पाती। कैसी बात कर रही हो मिनी, मेरी नजर से देख लो। देख तो सब सकती हूँ मैं अनिरुद्ध, बस तुम ही बता नहीं सकती। अब बस जल्दी से मुझे आई लव यू कह दो तुम अनिरुद्ध। मेरी नजर से देखो इस नजारे को भी और अपने आप को भी। मेरा मतलब है तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं मिनी, और तुम्हारी आंखें, आंखें तो जैसे कुछ बोल रही हो मुझे, पर आंखों में रोशनी कम झलक रही है शायद। अब देखो कैसे तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारा सच उगलवाता हूं। बाबू भी विश्वास नहीं करते मेरा। आप तो जानती हैं ना दुर्गा माँ कि मैं झूठी नहीं हूँ, पर सबको कैसे समझाऊं मैं ये बात, झूठी और बुरी बंदता का दाग अपने पे लेकर जी सकती हूँ क्या मैं? बताओ ना दुर्गा माँ। हे दुर्गा माँ, कुछ ऐसा करो कि मैं पति बाबू को अपनी बात का यकीन दिला सकूं और बूढ़ी दीदी का सच सबके सामने आ जाए। सौदामिनी, समझ नहीं आ रहा है कि ये नजारा ज्यादा सुंदर लग रहा है या तुम? चारों ओर सिर्फ दिए, सिर्फ दिए। तुम जानती भी नहीं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है इस समय।
रोहिणी, क्या ये पल हमेशा के लिए थम नहीं सकता? मैं भी कैसे पागलों जैसी बात कर रहा हूं, समय किसी के लिए रुकता है क्या? कभी कभी नहीं। वैसे ही ये दुनिया ना दो प्यार करने वालों को समझती ही नहीं मिली। हमारा प्यार शायद इस दुनिया के लिए बना ही नहीं, हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं है मिनी। पर ये दुनिया हमारे प्यार को ना समझे तो ना ही सही। हम ना मिट्टी का तेल। मिनी, मिनी तुम जानती हो वो बंधता है ना, वो हमारे रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगी, कभी मानेगी नहीं, हमारे प्यार को समझ नहीं पाएगी वो। जब से उसने सुना है ना कि हम एक साथ लंदन जाने वाले हैं, परेशान कर दिया उसने मुझे और खुद भी परेशान है। उसे अकेला छोड़ना तो अन्याय होगा ना उसके साथ, और मैं तुम्हें भी तो नहीं छोड़ सकता ना मिनी, वो भी गलत होगा ना, है ना? इसीलिए हम एक नई दुनिया बनाएंगे अपने लिए। सिर्फ मैं और तुम रहेंगे मिनी, सिर्फ अनिरुद्ध और सौदामिनी। अनिरुद्ध तुम? नहीं मिनी, अगर हम जीते जी एक ना हो सके तो क्या हुआ, हम मरने के बाद एक हो जाएंगे, हम एक दूसरे में इस तरह मिल जाएंगे जैसे। अनिरुद्ध, मिनी कहाँ जा रही हूँ? अरे कोई है, कोई बचाओ मुझे, अनिरुद्ध पागल हो गया है, खुद तो मर रहा है, मुझे भी मारना चाहता है, पागल हो गया है अनिरुद्ध। नहीं मिनी, ऐसा क्यों कह रही हो मिनी? क्या तुम नहीं चाहती थी हम साथ जिए साथ मरे? हमने साथ जीने की बात की थी, तुम तो साथ मरने की बात कर रहे हो। मुझे नहीं मारा, तुम्हें मारा तो तुम मारो, मुझे क्यों मार रहे हो? मिनी, हमारे सपनों का क्या होगा मिनी? हम लंदन जाना चाहते थे ना, एक साथ जाना चाहते थे। पागल हो गए, मैं तुम्हारे साथ लंदन कभी भी नहीं आऊंगी। क्या भरोसा तुम क्या कर बैठो वापस पागलपन में? मिनी मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो, देखो अपने अनिरुद्ध को अपनी आंखों से देखो मिनी। ये तो तब संभव होगा ना जब हम एक साथ लंदन जाएंगे, है ना मिनी? इसीलिए मेरा हाथ थामो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मुझे तुम्हारा हाथ नहीं थामना, ना ही मैं अभी हूँ, ना ही मुझे तुम्हारे से कोई इलाज करवाना है। अरे वो अंधापन तो सिर्फ एक नाटक था ताकि तुम बोलता को घर से निकालो और अपनी जिंदगी से भी। मुझे कोई इलाज की जरूरत नहीं, मैं अंधी नहीं हूँ। नहीं मिनी, नहीं नहीं नहीं, कह दो ये सब झूठ है मिनी, कह दो सबसे हमारी सगाई हुई है, कह दो सबसे तुम मंगेतर हो मिनी, देखो तुम मंगेतर हो ना मेरी, कि कहो सबसे मिनी, बताओ सबको काहे की सगाई, ये सब झूठ है मिनी। तुमने मुझे नहीं पहनाई, नहीं तो कैसी सगाई हुई हमारी? हमारी कोई सगाई नहीं हुई है, ना ही मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम बस एक पागल इंसान हो जिसके दिमाग में पता नहीं कब कहाँ कौन सा फितूर चढ़ जाए। मुझे नहीं रहना ऐसे पागल इंसान के साथ।
तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है सौदामिनी। और देखो हमने कुछ नहीं बोला। तुम खुद अपनी असलियत सबके सामने लेके आ गई, खुद ही नोच के बैग दिया तुमने अपना मुखौटा। काका आप ठीक कैसे? हाँ सौदामिनी ठीक है त्रिलोचन काका, बिल्कुल ठीक। पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं था, ठीक नहीं था जब मुझे पता चला कि तुमने कैसे देख कर अनदेखा कर दिया था बंदिता को हीरा मंडी में। हीरा मंडी जैसी जगह में छोड़ दिया था तुमने बंदिता को मैंने, जो मैं नहीं देख सका वो मुझे बॉनिका ने दिखाया। उसने बताया मुझे कि कैसे अंधेपन का नाटक कर रही थी तुम। उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी मुझे। सौदामिनी देखो बंदिता को, बंदिता की आंखों में, बंदिता के दिल में जितनी सच्चाई जितनी पवित्रता है तुम्हारे दिल में उतना ही झूठ और उतनी मक्कारी है सौदामिनी। जिस दिन मैं वापस आया और काका के कमरे में गया, काका ने मुझे सब बताया। तो जानते मैं कितना खुश था कि मैं आपको इतने दिनों बाद देखूंगा, बंदिता आएगी आप खुश होंगे। नहीं काका ये व्हीलचेयर पर आप काका ठीक है काका, ठीक है अनिरुद्ध, पर यहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी बहू बंदिता के साथ ठीक नहीं हुआ है। हम ना शारीरिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से बहुत परेशान है। शारीरिक रूप से ठीक है तो आपने सबको बताया क्यों नहीं है? व्हीलचेयर क्यों है काका? बताता हूं, पत्थर की तरह बेजान ही हो गया था ये शरीर, पर आज जब बंदिता की आशीर्वाद के लिए पुकार सुनी तो न जाने हाथ में कहां से शक्ति दे दी देवी माने कि उसे आशीर्वाद देने को हाथ उठ गया। हलचल हुई हाथ में हमें समझ में आया कि इस शरीर में जान बाकी है। बेटा ये ना ये सब हमारी बहू की दुर्गा माँ के लिए जो आस्था है उसी का असर है जो हमें नया जीवन मिला है। हमने पहले इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि हम तुमसे बात करना चाहते थे। हम जो सच जानते हैं वो
तेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। इस सच में जो अपराधी है उससे यही उम्मीद थी अनिरुद्ध, इस अपराध में जिसने उसका साथ दिया है ना, उसने हमारा दिल तोड़ दिया बेटा। इसलिए हम चाहते थे कि हम बस तुझे बताएं ये सच सबसे पहले। ये सच अनिरुद्ध कि सौदामिनी अंधी नहीं है, वो सिर्फ अंधे होने का ढोंग कर रही है। रुक रुक अनिरुद्ध, काकाली की अनिरुद्ध इधर आ, कहां जा रहा है? इधर आ अनिरुद्ध, काकामिनी ने झूठ कहा। हम सिर्फ झूठ ही नहीं बोला, सिर्फ साजिश भी की है। ऐसी साजिश? उसने तुझे उस रात नशे की दवा पिलाई ताकि तू बेहोश हो जाए और उसके कमरे में पड़ा रहे। गांव वालों के सामने उसने अपने चरित्र पर दाग लगवाने का भी नाटक किया। हमें धर्म संकट में डाला, अपना मोहरा बनाया, तेरे साथ सगाई की अनुमति ले ली। और अनिरुद्ध, ये सब ना उसने अकेले नहीं किया, इस सब में विनोय भी शामिल था। उसकी हर चाल में, हर साजिश में, न जाने सौदामिनी ने कौन सी पट्टी बांधी है उसकी आंखों पे कि वो एकदम अंधा हो गया है, सही गलत का फर्क ही भूल गया। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, तू हमसे वादा कर, हमसे वादा कर बेटा कि उस चालाक और शातिर सौदामिनी को सबक सिखाएगा। उसने हमारी हमारी बहू का अपमान करवाया, उसका ससुराल छुड़वाया, पूरे गांव वालों के सामने रॉय चौधरी परिवार का सिर झुकाया है। हमसे वादा कर अनिरुद्ध, हमसे वादा कर कि तू उस सौदामिनी को उसके किए का दंड देगा। और बौंदिता की बात पर काका ने सच की मोहर लगा दी। और फिर ये सब जो अभी हमने किया, ये सब सिर्फ तुम्हारा सच बाहर लाने के लिए किया सौदा में। तुम्हारा सच समाज के सामने लाने के लिए किया। बौंदिता, मुझे तुम पर विश्वास है। भरोसा है कि तुम हमेशा सच बोलती हो। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.